अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जिसमें राजस्थान के अंदर मौसम की जानकारी आप सभी को दे दें कि हाल फिलहाल राजस्थान में 11 डिग्री से नीचे तापमान माउंट आबू के अंदर पहुंच चुका है। इसी के साथ में शेखावाटी के अंदर भी अब सर्द भरी हवाएं चलने लगी हैं और आने वाले दिनों के अंदर अब ठंड बढ़ती हुई नजर आने वाली है। तो हाल फिलहाल राजस्थान के अंदर कहां पर क्या कुछ तापमान बना हुआ है, कहां पर बारिश की संभावना बनी हुई है, इन सभी की तमाम जानकारी दिखाते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट में। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के साथ ही मैदानी राज्य फिर से रात में ठंडे होने लगे। राजस्थान के कई शहरों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया। हिल स्टेशन माउंट आबू में सर्दी शुरू हो गई और यहां रात का तापमान 11 डिग्री सेल्सियस पर आ चुका है। शेखावाटी में गांव के साथ अब शहरों में भी सर्दी बढ़ गई, यहां तापमान 13 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचने लगा। राजस्थान में बीती रात सबसे ठंडा इलाका माउंट आबू रहा, जहां पर न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। माउंट आबू में सर्दी बढ़ने के साथ पर्यटकों की आवाजाही भी बढ़ने लगी, यहां दिन के तापमान में भी 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे नजर आया। माउंट आबू के बाद दूसरा सबसे ठंडा शहर सीकर रहा, जहां न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। सीकर में इस महीने में चौथी बार तापमान 14 डिग्री सेल्सियस से नीचे आया है। यहां अब लोग रात में कंबल का उपयोग करने लगे। सीकर के ग्रामीण इलाकों में भी सर्दी और ज़्यादा बढ़ने लगी। सीकर के अलावा पिलानी, फतेहपुर, चूरू में भी मंगलवार रात न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। गंगानगर, जोधपुर, पाली में रात में भी सर्दी बढ़ी और यहां पारा 18 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच में दर्ज किया गया। वहीं मौसम विशेषज्ञों के अनुसार कहना है कि अगले 6 दिन उत्तर भारत में मौसम साफ रहेगा, जिससे राजस्थान में तापमान और गिरने की संभावना बनी हुई है। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।